देवभूमि उत्तराखंड में स्थित चार पवित्र धामों को रेल मार्ग से जोड़ने वाली भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी परियोजना चार धाम रेल परियोजना, जिसके अंतर्गत ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है, जिसमें दुर्गम पहाड़ियों और नदियों के बीच कई सुरंग, पुल और रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट पर 125 किलोमीटर न्यू ब्रॉडगेज रेल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 12 स्टेशन, 17 सुरंग और 18 पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस रेल लाइन के निर्माण से ऋषिकेश और कर्णप्रयाग की दूरी कम हो जाएगी और यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर महज 2 घंटे का रह जाएगा। इस रेल लाइन से इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि भी होगी। ये बहुत ज़बरदस्त एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिससे कि हम बहुत ही तेज़ी से पूरे साल भर हम लोग बहुत आसानी से सफ़र कर पाएंगे। इससे गढ़वाल की इकोनॉमी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूम होगी और अच्छे अच्छे बिजनेसेस हमारे गढ़वाल में जाएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को भी बहुत सारा फायदा होगा। इस परियोजना के अंतर्गत सिवाई कालेश्वर में अलकनंदा नदी पर किया जा रहा पुल का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरणों में है। ये एक टावरिंग बो स्ट्रिंग स्टील आर्क ब्रिज है, जिसकी कुल लंबाई 125 मीटर है। ये पुल उत्तराखंड में प्रस्तावित कर्णप्रयाग स्टेशन को राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से जोड़ने में मदद करेगा, जिससे यात्रियों का सफर और भी सुविधाजनक बन सकेगा। 125 किलोमीटर की इस रेल लाइन की परियोजना में 104 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण सुरंग के अंदर किया जा रहा है, जिसमें 55 किलोमीटर की सुरंग बनकर तैयार हो गई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट न सिर्फ ऋषिकेश और कर्णप्रयाग की दूरी कम करेगा, बल्कि इसके पूरा होने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य में सामाजिक और आर्थिक उन्नति हो सकेगी।